नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हम स्लिम प्रोफाइल में कैसे ग्लास को इंस्टॉल करते हैं, कैसे ग्लास को पार्टीशन को हमने प्रोफाइल के अंदर इसको होल्ड किया है। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी प्रोफाइल को हम किस तरीके से प्रोफाइल के अंदर ग्लास को हैंग करके, आप ये नीचे देख रहे होंगे और ऊपर दोनों साइड में हमने प्रोफाइल लगाई है। प्रोफाइल लगा करके चारों तरफ से ग्लास को हमने पार्टीशन में हैंग किया है और फिर हमने उसके बाद सिंगल फिन पे दरवाजे चलाएं, डबल दरवाजे चलाएं और हमने एक केविन को दो केविन बनाया, यानी बीच में पार्टीशन डालते। ऐसे ही हमने बैक साइड में किया है, आप देख रहे हैं फ्रंट का पूरा हमने एक पार्टीशन हमने कंप्लीट स्लिम प्रोफाइल में 12 mm क्लियर टफन ग्लास के साथ कमलेस ग्लास द्वारा ये इंस्टॉल किया गया है, जो स्लिम का वर्क हम ऑल इंडिया में कर रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में। दोस्तों कमलेस ग्लास द्वारा आप देख रहे हैं स्लिम प्रोफाइल का वर्क। आप एक मेन चीज़ देखेंगे, हम ग्रुप को कैसे फिल करते हैं, जो एक प्रोफाइल है इन दोनों की ग्रुपिंग है उसको हम बिल्कुल एक प्रोफाइल होती है उसमें ग्लास को हैंगिंग करके उसको इंस्टॉल करके हम ग्लास हैंग करते हैं। इस तरीके से हम पार्टीशन को पूरी तरीके से इसको होल्ड ऑन आउट करेंगे। अब हम अंदर चलते हैं केविन के अंदर। आप देखेंगे हमने इस केविन को एक अलग केविन बना दिया है, मतलब एक ही केविन को दो केविन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। बीच में एल्युमिनियम प्रोफाइल मतलब स्लिम प्रोफाइल के साथ हमने पार्टीशन को हमने दो पार्टों में बना दिया है। ये अब आप देख रहे हैं एक फ्रंट का मेरा एलिवेशन आ रहा है जिसको मैंने फिर प्रोफाइल में बना करके इसको रेडी कर दिया है। इसी तरीके से हमने बाहर ये स्लिम प्रोफाइल में ही एसएस में रेलिंग को बनाया है, यानी 12 mm के लिए टफन ग्लास को हमने पहले पत्थर में झीरी काट करके फिर ऊपर से एसएस को ब्लैक पीवीडी कोटिंग करके और इसको हैंगिंग कनेक्टर के साथ हैंग करके इसको जॉइंटरों से रेलिंग तैयार की है। आप देख रहे हैं 20 फुटी रेलिंग को हमने एक सिंगल पाइप के साथ होल्ड किया है।